नमस्ते ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ सोशल साइंस में ओजा सर। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर ए शॉर्ट टॉपिक एंड इट इज फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। आज की वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड के क्लास 9th के चैप्टर जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी, उसमें दिए गए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वह है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। आपके चैप्टर में जितने भी दिए गए हैं फीचर्स, उन फीचर्स को हमने यहाँ इकट्ठा किया है ताकि आपको आराम से हम एक नोट्स बनाकर समझा सकें कि कौन कौन से स्पेशल फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के और उस पर चर्चा करें ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो इसका जो पहला फीचर है वो ये है कि इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मुख्य रूप से इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि जो फाइनल डिसीजन किया जाए, जो अंतिम निर्णय किया जाए या अंतिम निर्णय करने की जो शक्ति हो वह उनके पास हो जिनको जनता ने चुन के भेजा है। जैसा कि चैप्टर में दिया गया है कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ के शासनकाल के दौरान जो डर्टी ट्रिक्स अप्लाई की गई चुनाव जीतने के लिए, और चुनाव भी हुए और चुनाव के बाद जो चुन के आए रिप्रेजेंटेटिव्स उनके पास पावर नहीं था निर्णय करने का, फाइनल डिसीजन करने का। फाइनल डिसीजन मुशर्रफ और उनकी काउंसिल स्वयं करती थी, तो ऐसी सरकार को डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग पावर उन्हीं के पास होता है जो जनता द्वारा चुन के आते हैं, और अगर ऐसा है तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अदरवाइज वैसे कंट्री को, वैसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते हैं। दूसरा है ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव फेयर चांस ऑफ लॉसिंग। डेमोक्रेसी मुख्य रूप से एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है। एक ऐसे इलेक्शन पर ये बेस्ड होती है, एक ऐसे इलेक्शन पर ये डिपेंडेंट होती है जिसमें उसके लिए भी जो वर्तमान में सत्ता में है, जिसके पास पावर है, उसको भी चांस होता है कि वो पावर अपना लॉस कर दे और उसकी गवर्नमेंट के बदले दूसरी गवर्नमेंट बन जाए। अगर इस तरह के ऑप्शंस पब्लिक के पास हैं तो वैसे नेशन को, वैसी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जा सकता है। अदरवाइज अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होता है और जो सत्ता में है उनके भी चुनाव हार जाने का डर नहीं रहता हो, उनके भी चुनाव में हार जाने की संभावना नहीं रहती हो, उनके सत्ता परिवर्तन का चांस नहीं रहता हो, तो ऐसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहा सकता। भले ही इलेक्शन हो रहा हो, लेकिन इलेक्शन होने के बावजूद भी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है तो उस गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं, वह देश डेमोक्रेटिक नहीं कहा सकता है। तो एक डेमोक्रेसी के लिए यह जरूरी है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। तीसरा पॉइंट है कि इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। एक डेमोक्रेसी में, यानी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, हर वयस्क नागरिक को यह अधिकार होता है कि वह एक वोट दे सके, एक मत दे सके, और यह भी जरूरी है कि हर व्यक्ति के वोट की वैल्यू समान हो, हर व्यक्ति के वोट की कीमत एक समान मानी जाए। जैसा कि आपने देखा है फिजी में, वहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनके मत का मूल्य, जो बाहर से आकर वहाँ बसे हुए हैं फिजी में रहने वाले लोग, उनके मत मूल्य से अधिक है, तो वैसी गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते हैं। भले ही चुनाव हो रहा हो, भले ही चुनाव से आधारित सरकार बनती हो, लेकिन अगर वोट का अधिकार सबको समान नहीं मिला है और सबके वोट की वैल्यू, सबके मत का मूल्य समान नहीं है, तो वैसे गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहा सकता। तो तीसरा फीचर हुआ कि इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। चौथा फीचर है ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वह सीमा के अंतर्गत कार्य करती है, और वैसी सीमा जो संविधान द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा तय होती हो और नागरिकों के अधिकारों के द्वारा वह तय होती हो। अगर ऐसे लिमिटेशंस हैं गवर्नमेंट पे संवैधानिक और नागरिकों के अधिकार से संबंधित, तब वह सरकार डेमोक्रेटिक है, अदरवाइज हम वह सरकार को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते हैं। इसलिए
चौथा फीचर है ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि ये मूल रूप से चार फीचर हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, और इसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लोग उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आप नए वीडियो का वेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।